अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या आप अपने फेसबुक अकाउंट को अपडेट नंबर कैसे भेज सकते हो। तो सबसे पहले अपने फेसबुक लाइट में आ जाना है, ठीक है। तो ये आईडी मेरी ऑलरेडी प्रूफ पे है, मतलब कि आईडी कार्ड पे है, ठीक है। अगर ये डिसेबल भी हो जाए ना, लॉक भी हो जाए, तो प्रूफ सेंड करने से फिर आईडी अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चले जाना है यहाँ पे, अबाउट सेक्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आपने जो ना निक नेम ऐड कर लेना है, ठीक है। प्रूफ का जो इंग्लिश आईडी कार्ड होता है ना, वो आपने ऐड कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो उसके बाद ये आप लोग ऊपर देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये आईडी कार्ड के सेम टू सेम है। चेंज करने के लिए आपने पेंसिल पे क्लिक करना है, तो यहाँ से ये आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। मेरी ऑलरेडी प्रूफ पे है, तो मुझे ये चेंज नहीं करनी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लेनी है। एक स्क्रीन शॉट ले लेनी है, क्योंकि बाद में आईडी बनानी भी है हमें, ठीक है। उसके बाद आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सॉरी थ्री लाइन पे। उसके बाद आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है, ये वाली एडिट पे जाओगे। उसके बाद लर्न मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नाम चैन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो लर्न मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिल आउट वाई पे क्लिक करना है। तो फिर नीचे से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है ना, आपने ये मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने नाम का जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल का लेना है, बाकी कैपिटल, ठीक है। वो तो लास्ट पे आपने एक्स डॉट ये लिख लेना है, ठीक है। एंड पे आपका जीमेल ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर जीमेल ऑप्शन नहीं आता, तो फिर बैक करके फिर ओपन करो, ये पेज सामने आ जाएगा, ठीक है। तो रीज़न भी आपने जो है ना सेलेक्ट करना है, वो है एडिंग अ निकनेम। तो यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी आईडी पे नहीं है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद मैं यहाँ से कर दूँगा सेंड। तो ये भी आप लोग ऊपर देख सकते हो, ये सेंड हो रहा है आपके सामने। तो ये सेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद बैक करना है, ये वाले ऑप्शन को हटा देना है। तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं सेंड करता हूँ, ये भी सेंड नहीं होगा, देख लिया, ये आपने सेंड नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर थ्री लाइन पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, सपोर्ट इनबॉक्स में जाना है। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देख सकते हो अभी ये रिक्वेस्ट सेंड हुई है, तो इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लीज़ चेंज माई नेम, ठीक हो गया। स्क्रीन शॉट सेलेक्ट कर लेते हैं, स्क्रीन शॉट मैं डन कर देता हूँ यहाँ पे। ये तो ये सेव हो जाने के बाद सेंड कर देना है। तो ये सेंड हो गया, उसके बाद बैक करते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने रिफ्रेश किया है, आईडी आपके सामने जो है ना गई है अपडेट ना पे। अभी मैंने वीडियो स्किप भी नहीं की, तो ये देख सकते हो वही नाम है, ठीक है।